गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 11th बिहार बोर्ड. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द रूल ऑफ द रोड. एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वी विल रीड दिस चैप्टर एंड देन वी विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ओनली. But we will understand the importance of liberty in our life. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग अपने जीवन में आज़ादी का क्या मतलब है, क्या महत्व है, उसके विषय में समझेंगे. ये तो सभी को पता है कि आज़ादी और फ्रीडम का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है. लेकिन एक्चुअली लिबर्टी का मतलब क्या है इस चैप्टर में जो दिया है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी. आज़ादी का सही माने में मतलब क्या होना चाहिए, ये इस चैप्टर का मेन थीम है. सो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ए जी गार्डिनर हैज रिटन दिस चैप्टर द रूल ऑफ द रोड. सो सी लाइन बाय लाइन. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ही वॉज बॉर्न इन 1865 death, widely known under his pen name of Alpha of the Plow. Widely known under his pen name मतलब उपनाम. लिखने के लिए कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं, तो जो नाम लेते हैं लिखने के लिए लिखते हैं, जैसे प्रेमचंद, ये pen name है. तो pen name मतलब एक नाम जिसके अंतर्गत लोग लिखता है, लेखक के लिए अलग से लिया गया नाम, वास्तविक नाम से हटके होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेन नेम. तो पेन नेम वाज अल्फा ऑफ द प्लो फॉर दिस अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. जॉर्ज गार्डिनर वाज कॉल्ड पेन नेम एज पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो वाज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट. एसेइस्ट मतलब लेखक, लेख लिखने वाले. तो ये इनका जो भी लेख होता है वो थॉटफुल होता है, थॉट के लिए होता है, विचारात्मक होता है. मतलब सीधे वो इमोशनल नहीं है, उसमें एक थॉट है. ऑफ मॉडर्न टाइम्स ही वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज फ्रॉम 1902 टू 1921. ही वॉज द एडिटर ऑफ द फेमस डेली न्यूज. द टाइम हैज बीन गिवन हियर 1902 टू 1921. His essays combine ideas and emotions with beauty of form and remind us of pleasant things. Sunshine and mirth. Mirth means happiness. Laughter and mirth. His collections of essays include Pebbles on the Shore, Windfalls and Many Furrows. In this essay, he points out in an easy and thought-provoking manner what constitutes true liberty. In this essay, इस एसे में श्रीमान लेखक महोदय, जिनका नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इन्होंने हम लोगों को बताया है एक बहुत ही विचारात्मक तरीके से कि कंस्टिट्यूट मतलब इनग्रेडियंट लिबर्टी का क्या मूल तत्व होता है. What constitutes true liberty? ट्रू लिबर्टी कैसे बनता है. लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम. तो फ्रीडम का सही माने में मीनिंग क्या है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ड लिबर्टी, वी विल अंडरस्टैंड एंड रीड इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द हाईलाइटेड क्वेश्चंस हियर. डज डेमोक्रेसी हैव एनीथिंग टू डू विथ फ्रीडम. डेमोक्रेसी इज अबाउट फ्रीडम. इन डेमोक्रेटिक कंट्री वी कॉल दैट फ्रीडम इज द मेन थीम ऑफ लाइफ. बट डू यू थिंक दैट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रीडम इज पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल? नो. फैक्ट इज दैट योर फ्रीडम इज लिमिटेड बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स द पावर हैज बीन गिवेन टू ऑल द पीपल. द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल शुड बी गारंटीड.
It means the freedom of some people, all the people should be curtailed. सबों की आज़ादी सुरक्षित रहे इसके लिए सबों की आज़ादी में कुछ न कुछ कांट छांट होगा। अगर सबों को रोड पर चलना है तो सबको एक नियम का पालन करना पड़ेगा। मतलब इसका यह है कि फ्रीडम डज नॉट मीन वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू, नो, यू हैव टू गेट योर फ्रीडम अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होते हैं फ्रीडम को लागू करने के लिए, फ्रीडम को महसूस करने के लिए। नहीं तो एक आदमी का फ्रीडम दूसरे आदमी के लिए वो फ्रीडम के खिलाफ हो जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लाइट, अंडर दिस लाइट, दिस मीनिंग ऑफ फ्रीडम। इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स रोल इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द रोल ऑफ सिटीजन्स आर ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंस। वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजन का रोल ही सब कुछ है, उसमें कोई अलग से कोई अथॉरिटी आपको ऐसा नहीं आएगा, बल्कि ऑल पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द मैनर्स ऑफ फ्रीडम। व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट टू अस? फंडामेंटल राइट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए? ये बहुत ही थॉटफुल ऐसे है, चैप्टर है। सो ये फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द चांस टू फ्लोरिश आवर पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व निखरे, वो किसी दबाव में आकर के बिखरे नहीं, इसके लिए फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का होना जरूरी है, जिसे संविधान ने हमें दिया है। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटीड अस द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी। Have you ever wondered what keeps the traffic move smoothly without running into one another? Have you ever thought? कभी आपने सोचा है, आश्चर्य आपको हुआ है यह देख करके कि कैसे ट्रैफिक चलता रहता है बिना किसी एक्सीडेंट के? ट्रैफिक चलता है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन प्रायः एक नियम से तो चलता ही चलता है। अगर कोई रूल नहीं हो, कोई नियम नहीं हो, तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। इसलिए देयर आर ट्रैफिक रूल्स and we have to follow that. If someone is disturbing those rules on the name of freedom, it means the person is not understanding the importance of freedom. अगर freedom के नाम पर हम किसी नियम का पालन नहीं करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम freedom का मतलब समझ नहीं रहे हैं। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये दोनों दो बातें होती हैं कवियों की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ द पोएट्स। कवि की दुनिया में आपको मिलता होगा स्वच्छंदता, स्वच्छंद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजर बंद न गा पाएंगे। सही बात है, उन्मुक्त गगन के का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फ्री हो, आप स्वतंत्र हैं, मतलब अपना तंत्र है जो आप लागू किए हुए हैं, एक सिस्टम है जिसको ये आप फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग ए सिस्टम। स्वतंत्रता, ये हिंदी में भी जो मीनिंग है इसका, वह है आवर ओन सिस्टम, स्वतंत्र, अपना तंत्र है। अपना तंत्र ये नहीं है कि आपने उसे अपने को आपको फ्रीडम एक ऐसा आदमी के रूप में घोषित किया जो किसी की बात नहीं मानेगा, नहीं, वो नहीं। स्वतंत्र मीन्स स्वतंत्र, अपना एक तंत्र है, योर ओन सिस्टम। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि दे मस्ट अंडरस्टैंड दीज रूल्स। अगर हम अपनी आज़ादी को सेफ करना चाहते हैं तो हमें दूसरे की आज़ादी को भी सेफ करना चाहिएगा। अगर दूसरों की आज़ादी को हम सुरक्षित नहीं मानते हैं तो हमारी आज़ादी भी सुरक्षित नहीं है। दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। सो फॉर 11th स्टूडेंट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल रीड लाइन बाय लाइन व्हाट इज इन द स्टोरी। अ स्टाउट ओल्ड लेडी, स्टाउट का मतलब होता है नाटा करगा और गुलथुल, मतलब गुलथुल समझते हैं नाटा और मोटा। तो ए स्टाउट ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग विथ हर बास्केट डाउन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट इन पेट्रोग्राड। ये पेट्रोग्राड क्या है? लेनिनग्राद है, ये रसा में जगह है पेट्रोग्राड, इसका आज का नाम है लेनिनग्राद। टू द ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ। एक गुलथुल सी महिला, स्टाउट लेडी, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड विदाउट थिंकिंग एनी रूल्स ऑफ द रोड एंड शी वॉज गोइंग इन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट इन पेट्रोग्राड।
और शिवाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, शिवाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड शिवाज नॉट टेकिंग एनी टेंशन अबाउट दैट. इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फूड पैसेंजर्स, बट शी रिप्लाइड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ. ये आज़ादी मिल गई थी, जारशाही के खिलाफ रिवोल्यूशन हो गया था, और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में आपको वहाँ पर फ्रीडम आया, लोग बोले तो वो लेडी बोली कि नाउ वी आर फ्री सो वी कैन गो एनी वेयर. वो रोड के बीच में जा रही थी और बोल रही थी कि मुझे, मेरे पास में आज़ादी है, मेरे जीवन में जो आवे सो मैं करूँ, आई कैन नॉट फॉलो एनी रूल, इट इज़ माई फ्रीडम. तो उसको किसी ने बताया तो वही उसने उसका आंसर दिया, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, हमें लिबर्टी है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे. इट डिडंट अकर टू द डियर ओल्ड लेडी दैट इफ लिबर्टी इंटाइटल द फूड पैसेंजर टू वॉक डाउन द मिडिल ऑफ द रोड, इट ऑल्सो इंटाइटल द कैब ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेमेंट. उस लेडी को पता नहीं है कि अगर इफ ए लेडी इज अलाउड टू वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड देन ए कैब ड्राइवर, ए टेम्पो ड्राइवर, ए बस ड्राइवर इज अलाउड टू ड्राइव ऑन द पेमेंट, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, नो वन विल गो एनी वेयर. अगर रोड पर चलने वाले को पेमेंट पे चलने का, रोड के किनारे चलने का ऑर्डर दे दिया जाए और किनारे चलने वाले को बीच में चलने के लिए कह दिया जाए तो क्या ये ठीक होगा? देयर विल बी केओस, केओस मतलब हंगामा हो जाएगा, एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस. तो वो यूनिवर्सल केओस मतलब वैश्विक अराजकता के रूप में यह समस्या सबों के सामने आ जाएगी. सो एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनी वेयर. हर आदमी एक दूसरे के रास्ते में आता रहेगा और कोई कहीं नहीं जा पाएगा. इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की. सो इन दिस वे इंडिविजुअल लिबर्टी विल क्रिएट सोशल एनार्की. ये आपको ध्यान देना चाहिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंडिविजुअल लिबर्टी अगर दे दें तो ये सोशल एनार्की, सोशल मतलब सामाजिक, एनार्की मीन्स अव्यवस्था और अराजकता. तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी इफ नॉट कंट्रोल्ड देन इट विल क्रिएट सोशल एनार्की. तो ये सोशल एनार्की हो जाएगा. तो ये कहने का अर्थ कि इंडिविजुअल लिबर्टी भी कंट्रोल होना चाहिए. सो दिस चैप्टर इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग. इस चैप्टर को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ें ही, साथ साथ इसको आप अपने लाइफ में लागू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें. ये आपको ये लिबर्टी का फ्री मीनिंग क्या है इसी को हाईलाइट कर रहा है कि आपको रोड के बीच में चलने की आज़ादी नहीं है. अगर आप उसको अपनी आज़ादी मानते हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. देयर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डे. आजकल आज़ादी का मतलब लोग आज़ादी का जो रस पी करके लोग पगला गए हैं, वे दूसरों की इज्जत नहीं कर रहे हैं. सो लिबर्टी ड्रंक, लिबर्टी बहुत ज़्यादा अगर मिल जाए तो वो नशा खाने से जैसे बिगड़ जाता है आदमी, उसी तरह से लिबर्टी आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है. सो यह खतरा है, देयर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में इस बात का खतरा है कि गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डेज. आजकल दुनिया में आज़ादी का नशा लोगों को चढ़ा हुआ है. लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट एंड इट इज जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्फ ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स. इसलिए हम लोगों को इस पर डिस्कशन करना ही चाहिए कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द रोड्स, इनका मीनिंग क्या है. जो सड़क के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका मतलब समझ में आना ही चाहिए. इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्वड, द लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चाहिए अपनी आज़ादी, अगर सबकी आज़ादी चाहिए तो सबकी आज़ादी में कुछ ना कुछ काट छांट होना चाहिए. अगर काट छांट नहीं होगा तो किसी की आज़ादी सुरक्षित नहीं होगी. एट पिकाडली सर्कस स्टेम्स, पिकाडली सर्कस जो है ना जगह का नाम है, ये वहाँ पर एक जगह है लंदन में, ये लंदन में जगह है. तो पिकाडली सर्कस स्टेप्स इनटू द मिडिल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड. अगर पुलिसमैन आपको मिलता है पिकाडली सर्कस पर, अपना हाथ ऊपर करता है रुकने के लिए आपको, ही इज़ द सिंबल नॉट ऑफ टिरेनी बट ऑफ लिबर्टी. किसी पुलिस वाले ने आपको अगर रोका व्यवस्था के लिए तो वो लिबर्टी है, वो ट्रेनी नहीं है,
अत्याचार नहीं है, टिरेनी मतलब अत्याचार. इफ ए पुलिस मैन इज स्टॉपिंग यू टू ये सेइंग यू रिक्वेस्टिंग यू ऑर्डरिंग यू टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, इट मीन्स ही और शी द पुलिस मैन इज डूइंग सेफ गार्डिंग, इज सेफ गार्डिंग योर लिबर्टी. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ टिरेनी. यू मे थिंक सो, आपको लग सकता हो कि वो टिरेनी है, बट एक्चुअली इट इज लिबर्टी. यू आपको ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो आपकी आज़ादी को सेफ करने के लिए आपको रोक रहा है. यू मे बीइंग इन अ हरी एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन वायोलेटेड. आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि योर लिबर्टी हैज बीन वायोलेटेड, आपकी लिबर्टी को किसी ने रोक दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है. हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विथ योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे. अगर आपको लग सकता है कि कैसे वो आदमी डेयर कर सकता है कि आपको फ्री यूज का जो राइट है हाईवे का उसको वो रोके, देन इफ यू आर ए रीजनेबल पर्सन. लेकिन आप अगर आप दिमाग की बात करोगे, रीजन की बात करोगे, इफ यू आर ए रीजनेबल पर्सन देन यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ ही डिड नॉट इंटरफेयर विथ यू ही वुड इंटरफेयर विथ नो वन एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस पिकार्डली सर्कस एट ऑल. अगर वो आपको नहीं रोकेगा तो वो किसी को नहीं रोकेगा. इसका मतलब है कि आप कभी भी पिकार्डली सर्कस जो चौराहा है लंदन में उसको आप पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुलिस ही है कि एक तरफ रोकती है तो एक तरफ जाने देती है. यू हैव सबमिटेड टू ए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी इन ऑर्डर दैट यू मे इंजॉय सोशल ऑर्डर विच मेक्स योर लिबर्टी अ रियलिटी. सो आपको प्राइवेट लिबर्टी को थोड़ा कट करना पड़ता है सो दैट यू मे इंजॉय अ सोशल ऑर्डर ए रियलिटी ए रियल लिबर्टी इन ए सोशल सिस्टम. देन थर्ड, लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर ओनली. लिबर्टी कोई व्यक्तिगत बात हो ऐसा नहीं है, लिबर्टी समूह में होती है. बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिबर्टी क्या है तो इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक सामाजिक अनुबंध है, समझौता है. बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है आपस में. इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी ऑफ कोर्स आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक इफ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रैंड इन अ ड्रेसिंग गाउन विथ लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट. अगर मैं चूज कर सकता हूँ कि स्ट्रैंड में जाऊँ जहाँ मुझे एड्रेस करना है तो गाउन पहन के विथ लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट बड़े बड़े बाल और नंगे पाँव पहुँच जाऊँ किसी अच्छे जगह पर, हु शैल से मी मै ने, तो कौन मुझे मना करेगा. मतलब मैनर नहीं पालन करें तो उठपटांग कपड़ा पहन करके बिना शू चप्पल के बाल बढ़ा करके कहीं पहुंच जाएं तो कौन डिस्टर्ब करेगा, कोई नहीं. यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आप हंस सकते हो मेरे ऊपर, बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू, लेकिन आपकी हंसी को मैं नज़रअंदाज कर दूँ मुझे इस बात का हक है. एंड इफ आई हैव फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर, इफ आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर डाई करने का यदि मुझे शौक है, और वैक्सिंग माई मुस्टैक और अपनी मूछों को अगर कलर करने का या बढ़ाने का या काटने छाटने का अपने मन से स्टाइल रखने का मुझे हक है, मन है तो रखूँगा. और वियरिंग ए टॉल हैट या टॉल हैट पहन लूँ, फ्रॉक कोट पहन लूँ जो लेडीज का कपड़ा है, सैंडल पकड़ पहन लूँ जो लेडीज पहनती है, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली शैल फॉलो माई फैंसी एंड आस्क नो मैंस परमिशन. इन चीज़ों के लिए आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली पर्सनल. बट वेन यू गो टू दी सोसाइटी देन यू मस्ट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द पब्लिक. अगर आप समाज में जाओगे, समाज का जो नॉर्म्स है उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए. इन ऑल दीज एंड ए थाउजेंड अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज of ourselves and ask no one's leave. In all these and a thousand other details, इस प्रकार के thousand other details हैं इसमें आपको किसी के permission की ज़रूरत नहीं है. We have a whole kingdom, हम अपने मर्जी के मालिक होते हैं. In which we rule alone, we can do what we choose, अपने मन से हम लोग कर सकते हैं जो पसंद हो वो. Be wise or ridiculous,
या तो हम लोग मजाक जो मन में आए उसे करें, वाइज बने या जीडी प्लस बने। जीडी प्लस मतलब जिसको देख के लोग मजाक उड़ाए, मतलब मूर्ख। हार्शली और ईजी, हार्श बने या ईजी बने। कन्वेंशनल और ऑड, बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाई अदर पीपल्स लिबर्टी। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन फ्रॉम मिड नाइट टिल 3 in the morning। ये देखो ट्रोम्बोन क्या है, बाजा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रोम्बोन बजाने का मन करे तो बहुत जोर से आवाज़ होती है, तो बजाना चाहिए अकेले में आपको, तो अगल बगल वाले को दिक्कत नहीं हो। तो मिड नाइट में अगर 3 बजे बजाने का मन करता है तो आप बजाओ, लेकिन बस आस पास वाले को दिक्कत होगी उससे, उस समय प्रॉब्लम खड़ा होगा। मतलब यह है, कहना है यू शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू अदर पीपल। आप कुछ भी करते हो, योर लिबर्टी मस्ट बी सेफ ओनली व्हेन अदर्स लिबर्टी इज सेफ। आपकी आज़ादी तभी सेफ है जब औरों की आज़ादी सेफ है। इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेल वैली टू डू इफ इट आई कुड प्लीज माई सेल्फ, बट इफ आई डू इट आउट इन द स्ट्रीट्स द नेबर्स विल रिमाइंड इट आई कुड प्लीज माई सेल्फ बट इफ आई डू इट आउट इन द स्ट्रीट्स एंड नेबर्स विल रिमाइंड मी दैट माई लिबर्टी टू ब्लो द ट्रम्बोन मस्ट इंटरफेयर विद देयर लिबर्टी टू स्लीप इन क्वाइट। There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberty। अगर हेलवेली नामक पहाड़ पर जाकर के मैं बजा बजाऊँ अकेले में ट्रम्बोन तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन जब समाज में आकर के उसको बजा बजाएंगे तो पड़ोसी माई नेबर मे कंप्लेन अगेंस्ट मी एंड आई शुड टेक केयर ऑफ हिज कंप्लेंट्स, अदरवाइज ही और शी विल अंडरस्टैंड मी अ बैड मैन एन इलीगल मैन। अगर आप पड़ोसी का केयर नहीं करोगे तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बजा बजाना है ज़ोर से तो वहाँ बजाओ जहाँ कोई नहीं है, हेलवेली पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन आप वहाँ इस तरह से बजा नहीं बजा सकते कि आसपास के लोगों को दिक्कत हो, उसको आपको इसका केयर करना पड़ेगा। दिस इज ए डीप थाट, डीप आइडिया अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। आज़ादी का मतलब आपके ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की आज़ादी भी होती है। तो we are all liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of conscious matlab jagruk, hum log jagruk to hote hain lekin unfortunately durbhagya se hum log zyada jagruk hote hain of the imperfections, imperfections matlab kamzoriyan of others, galti jo dusron ki hoti hai us pe hum log zyada dhyan dete hain in this respect than of our own, apni galti par dhyan kam dete hain और दूसरों की गलती पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। नाउ यू हैव टू कंसिडर अबाउट दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट पर सड़क किनारे चलने से वो लेडी क्यों मना की? बिकॉज दैट लेडी सेड दैट इट वॉज हर फ्रीडम टू गो इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में जाना उसकी आज़ादी है इसलिए वो जाएगी। हाउ डिड शी कॉज ए केओस, she caused a chaos because all the persons who were in the road they felt problem due to this lady's disobedience of the rules of the road, is mahila ke road pe jane se chaos paida ho gaya, avyavastha paida ho gayi। Third, how has the author defined liberty, author ne liberty ko kaise defined kiya? To the author has defined the liberty as एज ए सोशल कॉन्सेप्ट। लिबर्टी नॉट इज नॉट ओनली अ पर्सनल कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, यह सिर्फ व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। आप इसको अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं समझ सकते हो, इस आज़ादी को समझना है तो यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, समाज का कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा कि तब आ करके आपको आपकी आज़ादी सुरक्षित है या आप उसका सही अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव सबमिटेड टू ए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी इन ऑर्डर दैट यू मे इंजॉय ए सोशल ऑर्डर, आपको अपनी व्यक्तिगत आज़ादी को कर्टेल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सो दैट यू मे इंजॉय ए सोशल ऑर्डर, ताकि सामाजिक व्यवस्था को आप मेंटेन कर सको।
ठीक है. व्हाट डज द अथर मीन? द अथर मीन्स दैट वी मस्ट गिव प्लेस टू अदर्स ऑल्सो, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम ऑल्सो, देन वी कैन गेट रिस्पेक्ट फॉर आवर ओन फ्रीडम. व्हाट इज द डेंजर? द अथर इज रेफरिंग टू इन पैराग्राफ टू. पैराग्राफ टू में क्या है डेंजर? कि वो है पैराग्राफ टू कहाँ है आपको, तो ये आप देखिए, इसमें डेंजर है कि ज़्यादा आज़ादी का नशा चढ़ जाता है आदमी को, नशा में आदमी सही बिहेवियर नहीं करता है, इसलिए नशे को ख़राब माना जाता है. तो यहाँ पर लिबर्टी ड्रंक अगर हो जाए आदमी, लिबर्टी का नशा ज़्यादा चढ़ जाए, तो वह दूसरों की आज़ादी के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है. ये है, ये एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी. सो दिस इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर टू, पैराग्राफ टू. क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ इज लिबर्टी ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि पर्सनल लिबर्टी शुड बी कर्टेल्ड इन टू रिस्पेक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, टू रिस्पेक्ट सोशल लिबर्टी. इफ वन पर्सन इज एंजॉयिंग ओनली हिज ओन फ्रीडम एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर्स फ्रीडम, देन ही विल नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम. सो लिबर्टी इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, इट इज नॉट सिंगल, इट इज इन ग्रुप. लाइन नंबर सिक्स, आई गॉट इन टू ए रेलवे कैरेज एट ए कंट्री स्टेशन द अदर मॉर्निंग एंड सेटल डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज वुड कॉल एन आवर शॉर्ट एट ए ब्लू बुक. जो टास्क मिला हुआ था उस टास्क वाली किताब में, उसको ब्लू बुक बोलते हैं. वो टास्क रहता है, वो जॉब रहता है जिसको करना पड़ता है, तो वो ब्लू बुक है. तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने टास्क वाले कॉपी को जितना मेहनत से पढ़ता है, उसको मैं चेक कर रहा था एक बार रेलगाड़ी में जाते समय, मैं उसको ध्यान से पढ़ रहा था, उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी. आई वॉज गोइंग इन ए रेलवे, आई वॉज गोइंग इन ए ट्रेन एंड देयर आई वॉज स्टडिंग लाइक आई स्कूल बॉय, आई वॉज डूइंग माई ब्लू बुक वर्क. शॉर्ट मतलब बहुत मेहनत. आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लीजर, क्वाइट नेचुरल. ब्लू बुक इज नॉट रेड फॉर प्लीजर, इट इज रेड फॉर द कम्प्लीशन ऑफ ड्यूटी. द ट्रूथ इज दैट आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लीजर, नो बडी रीड्स फॉर प्लीजर, इट इज वर्क. काम करना पड़ता है तो करना पड़ता है, कोई खुशी से काम तो करता नहीं है, एक्चुअली काम तो करना पड़ता है. सो नाउ आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम. उनको कूड़ा करने से आदमी को पैसा मिलता है, काम मिलता है, वेतन मिलता है. सो वी डू आवर वर्क. नाउ इफ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लीजर, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू. अगर आप प्लीजर के लिए पढ़ रहे हो तो आसपास में क्या हो रहा है उससे आपको दिक्कत नहीं है. बट इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक सीरियसली फॉर ए वर्क, देन यू वॉन्ट द कंसेंट्रेशन, योर कंसेंट्रेशन ऑन द चैप्टर, फॉर दैट यू नीड पीस वेयर एवर यू आर रीडिंग दैट. सो बट वेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज ए टास्क, यू नीड रीजनेबल क्वाइट एंड दैट इज व्हाट आई डिड नॉट गेट. फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम ए कपूल ऑफ मैन. जिस दिन वो रेलगाड़ी में बैठ कर के पढ़ रहे थे ट्रेन में, उस दिन एक कपूल वहाँ पर आए, दो लोग आए. वन ऑफ होम आर टॉक टू हिज फ्रेंड, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. उसमें से एक था वो लाउड होकर के बोलने वाला आदमी था, जोर जोर से बोल रहा था. फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन ए लाउड एंड पॉम्पस स्टाइल. कुछ लोग होते हैं बड़े जोर जोर से बोलते हैं, पॉम्पस मतलब शोई, तो इतना जोर जोर से बोलते हैं कुछ लोग, बगल वाले का केयर नहीं करते, वो अपने आइडिया को लोगों पर थोप देना चाहते हैं. कोई सोचते नहीं है कि बगल वाला आदमी कोई किताब पढ़ रहा है तो उसको शांति चाहिए, तो ये केयर नहीं करते उसका. तो राइटर इस बात को बता रहा है, एक दिन और अपनी रेलगाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा था, जहाँ वो किताब पढ़ रहा था जिसमें टास्क संबंधी कोई बात थी. तो वो राइटर क्या है, ही वाज रेसलिंग, वो अंडरस्टैंड कर रहा था किसको, क्लॉजेज एंड सेक्शन, कौन कौन धारा है, कौन कौन उपधारा है, क्लॉज है, सेक्शन है, क्या है, उसको पढ़ रहा था ठीक से. वो हिज वॉयस रोज लाइक ए गेयर, तो जोर जोर से वो आदमी बोलने लगा जो बाद में आया. एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, अपने परिवार की कहानी सुनाने लगा. द डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वॉर, उसके बेटों ने क्या क्या किया था युद्ध में. एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल्स, और जनरल लोगों का आलोचना करने लगा. जनरल मतलब आर्मी का जो हेड सब था,
उसके विषय में, मतलब वो किसी वार के विषय में बतिया रहा था वो आदमी, जो बाद में ट्रेन में आया तो जोर जोर से बोल रहा था, अपनी बात को जोर जोर से कह रहा था विदाउट थिंकिंग एनीबडीज प्रॉब्लम हु इज सिटिंग बिसाइड हिम एंड द पॉलिटिशियन सबमर्ज्ड माय पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माय जॉब. आई शट अप द ब्लू बुक, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड लिसेंड बियरली व्हाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन विथ थीम्स लाइक दीज. वो आदमी चिल्ला रहा था, बोल रहा था, मैंने किताब को बंद कर दिया, उसके बाद को सुना वो क्यों जैसे बोल रहा था वो. नाउ व्हाट द फ्रेंच ओर टू हैव डन, ये फ्रेंच और जर्मन के बीच में जो युद्ध हुआ था तो बोल रहा था फ्रेंच को ये करना चाहिए था, फ्रांसीसियों को, जर्मन को ये करना चाहिए था. लोग मैंने लोग जनरल टॉक कर रहे थे वे लोग मैटर पर, और वो आदमी जोर जोर से बोल रहा था, इतना ही कहना है जो ट्रेन में आया बाद में. इफ ओनली एस्क्वेथ हैड, अगर एस्क्वेथ ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता. यू नो द शॉर्ट स्टाफ, आई हैड इट ऑल बिफोर वो सो ऑफेन, इट वॉज लाइक ए बैरल ऑर्गेन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग एगो. वो आदमी अपनी बहादुरी, अपनी अंडरस्टैंडिंग का डिंग हाँक रहा था और मैं चुपचाप सुन रहा था क्या करता. अन इंटरप्टेड आई वॉज फीलिंग इंटरप्टेड. वो ऐसे बैरल ऑर्गेन मतलब ऐसा बाजा बजा रहा था जो बहुत दूर से आवाज़ सुनाई दे रही थी. वो जो मैटर कर रहा था बहुत पिछले ज़माने की बात, उसमें राइटर को कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट ही हैड टू लिसन बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मैनर्स ऑफ सिटिंग टुगेदर. ये वह जोर जोर से बोलने लगा, इस पढ़ने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हुआ, यही तो मीनिंग है इसका. एट, इफ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड एनफ टू टॉक इन ए लोअर टोन, आई डेयर टू से ही वुड हैव थॉट आई वॉज ए वेरी रूड फेलो. राइटर को लगा कि अगर मैं उससे बोलता कि जनाब धीरे धीरे बोलिए तो उसको बुरा लग सकता था. इट डिड नॉट अकर टू हिम दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू दैन टू लिसन टू हिम. उस आदमी को लगा कि दूसरे को उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता है. एंड आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरेज कन्विंस्ड दैट एवरीबडी इन इट हैड थैंक्स टू हिम हैड ए वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी. जब वो अपनी ट्रेन से बाहर जाने लगा तो उसको लगा कि सबों ने उसके भाषण को बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुना है. अब उसकी समझदारी जैसी हो, लेकिन राइटर वॉज फीलिंग वेरी बैड. तो ये कैरेज कन्विंस्ड, जाते समय उसको लगा कि सबों ने उसको थैंक यू किया, सभी खुश थे उसके प्रवचन से. ए रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट. तो रीजनेबल कंसिडरेशन क्या है? जब आप कंसिडर करते हो, विचार करते हो, तार्किक विचार, दिमाग की बात यह है कि अपने अधिकार की बात करो तो आपको उसी समय किसी और के फीलिंग का भी केयर करना चाहिए. यही फाउंडेशन है, यही बुनियाद है किस चीज़ का? सोशल कॉन्डक्ट का, सामाजिक बिहेवियर का, सामाजिक व्यवस्था का. यही फाउंडेशन है कि आप दूसरों की बात को भी समझिए, दूसरों की भावना का भी कदर कीजिए. नहीं तो अपना आप सब कुछ कहते चले जाइएगा और दूसरों की आप कदर नहीं करेंगे तो आप किसी काम के आदमी नहीं हैं. यू आर नॉट ए सोशल मैन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. राइटर इसमें कहना चाहता है कि आपको अपनी आज़ादी के साथ साथ औरों की आज़ादी का भी क्लियर करना चाहिए. आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल एंड क्वाइट पीपल आर एज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व एज द राइट्स ऑफ ए स्मॉल नेशनलिस्ट. देखिए जी, सबों का हक बराबर है, स्मॉल पीपल हो, चाहे चुप रहने वाले हों, चाहे स्मॉल नेशनलिस्ट हों. वेन आई हियर द एग्रेसिव बुलिंग हॉर्न विच सम मोटरिस्ट डेलिबरेटली यूज. जब किसी हॉर्न बजाने वाले को मैं बीच रोड में हॉर्न बजाते हुए सुनता हूँ पीछे से, आई कन्फेस, मुझे मैं स्वीकार करता हूँ दैट आई फील समथिंग बॉइलिंग अप इन मी विच इज वेरी लाइक व्हाट फेल्ट व्हेन जर्मन केम ट्रैम्पलिंग लाइक ए बुली ओवर बेल्जियम. जब बेल्जियम को रौंदता हुआ जर्मन की सेनाएं जब बेल्जियम को रौंदती हुई आई, उस समय जो फीलिंग होता है उसी तरह से मुझे फील होता है जब मैं रोड पर जाता हूँ और पीछे से कोई हॉर्न वाला हॉर्न बजाता रहता है पों पों, तो मुझे वैसा फीलिंग होता है. व्हाट राइट माय डियर सर डू यू गो अलॉन्ग आवर हाईवे अटरिंग द हिडियस कार्स ऑन ऑल हु इम्पेयर्ड योर पाथ. इतना जोर जोर से हॉर्न बजाकर साइड लेने की क्या जरूरत है? जो सामने वाला जा रहा है वो भी अपने रास्ते जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए वो उसको साइड देने के लिए. कैनॉट यू एनवांस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, कैनॉट यू टेक योर टर्न. आपका टर्न आवे तो आप आगे बढ़िए, सो प्लीज वेट. हॉर्न कीजिए लेकिन लगातार मत बजाइए. आगे वाला आदमी अगर साइड नहीं दे रहा है
कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वेट फॉर दैट. एंड देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज बॉट ए वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन. एक आदमी था जो ग्रामोफोन खरीद के लाया एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग्स गोइंग. उसने उसे बजाने का प्रयास किया, ओपन्स द विंडोज एंड फील्स द स्ट्रीट द विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग. कीप द होम फायर्स बर्निंग ये लाइन है गीत का. ये गीत उसने बजाना शुरू किया या गाना ग्रामोफोन पर. और सम सिमिलर बेनालिटी, इसी तरह का कोई और गीत. व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ए मैटर ऑफ दिस सॉर्ट. इस प्रकार के व्यक्ति को क्या समझाया जाए. लेट अस टेक द ट्रॉम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन. फिर उस ट्रॉम्बोन की बात करते हैं जिसको पहले मैंने किया है. हैजलिट सेड, हैजलिट एक लेखक थे अंग्रेजी के, ही वॉज राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर. हैजलिट सेड दैट ए मैन हु वॉन्टेड टू लर्न दैट फियरसम इंस्ट्रूमेंट वॉज इंटाइटल टू लर्न इट इन हिज हाउस. हैजलिट बोला कि किसी को ये ट्रोम्बोन बजाना है, सीखना है अगर, तो उसको ऐसा घर में जाना चाहिए जहाँ कोई हो नहीं. इवन दो ही वॉज ए न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, और पड़ोसियों के लिए हंगामा हो सकता है. बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल. वो बजा सकता है, उसको बजाने का हक है, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका शोर कम से कम हो, सो दैट द नेबर्स वुड नॉट बी डिस्टर्ब. ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक. उसको एकांत में जाके बैठना चाहिए. एंड शट द विंडो, खिड़की बंद कर लेनी चाहिए. ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम. ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइज इन टू हिज नेबर्स ईयर्स विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस. एंड सो विद द ग्रामोफोन. इफ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट. आपको रखना है, रखिए, लेकिन बजाने के नियम हैं. आपको जबरदस्ती किसी को उसकी आवाज़ सुनाने का कोई राइट नहीं है. बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स इफ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउस होल्ड. अगर आप उसकी आवाज़ को लिमिट नहीं कर सकते हो अपने घर तक, योर नेबर मे नॉट लाइक कीप द होम फ्रेश फायर्स बर्निंग. ये गाना आपके पड़ोसी को जरूरी नहीं है कि पसंद हो, वो इनकार कर सकता है सुनने से. दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब. उनको भी संडे को डिस्टर्ब नहीं हो, इसका हक है. एंड इट इज एज ग्रेट एज इम्पर्टिनेंस फॉर यू विल फुल्ली टू ट्रेस पास ऑन देयर पीस एज इट वुड बी टू गो अनआस्ट इन टू देयर गार्डन्स एंड ट्रैम्प ऑन देयर फ्लावर बेड्स. जिस तरह से बिना किसी से पूछे हुए उसके गार्डन में घुस जाओ और उसको फूलों को बाग बगीचों को बर्बाद कर दो, उसी तरह से किसी की शांति में दखल देना, डिस्टर्ब करना बजा बजा के, यह भी उसी तरह का है. सो यू मस्ट रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स. 11. आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉट कंप्लीट सोशलिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. इस दुनिया में राइटर का विचार है कि कोई कंप्लीट एनार्किस्ट, कोई पूर्णतः अराजकतावादी या पूर्णतः सामाजिक नहीं हो सकता है, मिडिल में आदमी होता है. और रेदर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ. हम लोगों को दोनों का मिक्सचर होना चाहिए. वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व. हमें दोनों की आज़ादी को सेफ करना है, आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी. हमारा इंडिविजुअल लिबर्टी भी कायम रहे और सोशल लिबर्टी भी कायम रहे, तो हमें वी मस्ट इंजॉय आवर इंडिविजुअल लिबर्टी माइंडफुल्ली. अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सोशल लिबर्टी. सो सोशल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी वाइजली यूज्ड. 12. इट इज इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट. यह कंडक्ट का स्मॉल मैटर है. इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड. सो रोड का रूल को भी ऑब्जर्व करना चाहिए. दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड. सो हम लोग अपने ऊपर भी कमेंट करना चाहिए कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं कि अनसिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं कि असभ्य हैं. पहले अपने ऊपर कमेंट करो, तब किसी और पर कमेंट करना. द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर. हीरो का फिल्म में हीरो हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन रियल हीरो बहुत कम होता है समाज में. और सेक्रीफाइस सुनते तो हैं, लेकिन त्याग बहुत कम लोग करते हैं. इट इज द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ.
एंड स्वीटन और मेक बिटर द जर्नी। यही तो है कि यात्रा आपकी अच्छी हो जाए, मधुर हो जाए या खट्टी हो जाए, बिटर हो जाए, तीखा हो जाए। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज विथ विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मैं सोचता हूँ, राइटर बोला कि द फ्रेंड हु हैड मेट हिम इन द रेलवे कैरेज वुड थिंक अबाउट दैट, देन ही विल नॉट सी आई एम श्योर टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मन्स वेंट डिड टू, बट ही विल डू इट इन अ वे दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब। वो फ्रेंच और जर्मन के विषय में कमेंट करेगा, करे, लेकिन पड़ोसी को ज़बरदस्ती नहीं समझावे, उसे कमेंट करना चाहिए लेकिन ऐसी आवाज़ में, ताकि सो दैट आई मे ऑल्सो बी एबल टू रीड माई ब्लू बुक, मैं अपनी किताब पढ़ पाऊँ, इसकी आज़ादी भी सुरक्षित रहनी चाहिए। सो दिस इज द चैप्टर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। माई डियर फ्रेंड, दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, आई हैड फिनिश्ड लाइन बाई लाइन। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर, सो प्लीज सब्सक्राइब। मी आचार्य ललन ठाकुर इज थैंकिंग यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, सो बी विथ मी वेरी सून। आई एम गोइंग टू मेक क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन क्वेश्चंस, स्पेशली ऑन ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।